आज हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, इसके अंदर किस जगह पे क्या सेक्शंस यूज किए जाते हैं, किस टाइम पे कौन से कीवर्ड्स, किस जगह पे हम डॉक्यूमेंटेशन, किस जगह पे हम लिंक देंगे, ग्लोबल वेरिएबल्स कहाँ डिक्लेयर किए जाते हैं, या ग्लोबल डाटा, ग्लोबल फंक्शंस हम किस जगह पे डिक्लेयर करेंगे, हम आज की इस वीडियो में ये सब सीखने वाले हैं। सी प्रोग्राम के टोटल 6 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन, लिंक, डेफिनेशन, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शन और सब प्रोग्राम सेक्शंस हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस एज ए कमेंट यूज किया जाता है कि हम प्रोग्राम के अंदर क्या करने वाले हैं, प्रोग्राम का नाम क्या है, उसके अंदर क्या फंक्शनिंग है, क्या वेरिएबल्स यूज करने हैं, हमने उसके अंदर क्या प्रोसेस की है, और यूजर के लिए डायरेक्शंस होती है, गाइडलाइन होती है, वो हम सब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस के अंदर देते हैं कि जो यूजर है वो हमारे प्रोग्राम को किस तरीके से यूज कर सकता है। जैसे कोई वैल्यू एंटर करानी है, किस टाइप की वैल्यू एंटर करेगा, वो सब डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस के अंदर आता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम में देखेंगे कि हम टाइप डिक्लेरेशन करेंगे कैसे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस कैसे बनाएंगे। हम देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शंस को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लेंगे डबल स्लैश। डबल स्लैश के बाद हम जो भी कंटेंट डालेंगे वो कमेंट में जाएगा, हम जो लिखेंगे वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट ना होके सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शो होगा। मान लीजिए हमने एक प्रोग्राम बनाना है, सम ऑफ 3 नंबर्स, हम लिखेंगे सम, या हम लिखेंगे प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 3 नंबर्स। ये कमेंट सेक्शन है, हम इसके अंदर और भी कमेंट डाल सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि दो वैल्यू प्रीडिफाइन होंगी, मतलब पहले प्रोग्राम के अंदर ही उनकी वैल्यू दी हुई होगी, और एक वैल्यू यूजर अपनी तरफ से ले सकता है। हम इसके अंदर ये भी डाल सकते हैं कि एंटर ओनली 1 न्यूमेरिक वैल्यू। हम इसके अंदर ये भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन हो गया। अब हम करेंगे लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन के अंदर हम जो भी लिंक देने वाले हैं प्रोग्राम के अंदर, किसी हेडर फाइल का, किसी यूजर डिफाइंड हेडर फाइल का, कि हमने कोई हेडर फाइल खुद बनाई है और उसको हम प्रोग्राम के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, या बाहर से किसी पिक्चर्स का हम कोई लिंक देना चाह रहे हैं, तो हम लिंक सेक्शन के अंदर देंगे। लिंक सेक्शन यूज कैसे करता है, जैसे हमने इस जगह पे हेडर फाइल यूज करनी है, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो। स्टूडियो हेडर फाइल यूज होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर यूज होती है। सी लैंग्वेज के अंदर इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सब इसके अंदर यूज होते हैं, इसके अंदर डिफाइंड है, तो हम इनका यूज इसी के थ्रू कर रहे हैं। उसके बाद हम अगर कोनियों को ऐड करना चाहे तो कोनियों को भी कर सकते हैं। ये होता है कंसोल्ड इनपुट आउटपुट। इसके अंदर कंसोल इनपुट आउटपुट की सारी फाइल होती हैं। कंसोल इनपुट आउटपुट जैसे पुट, गेट, गेट सी एच, ये सभी कंसोल इनपुट आउटपुट हैं। और इसके अंदर हम क्लियर स्क्रीन भी जो यूज करते हैं वो भी कोनियो डॉट एच के अंदर डिफाइन है। ये सब है लिंक सेक्शन। उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। डेफिनेशन सेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे डेफिनेशन सेक्शन। इसके अंदर हम यूज करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड या कॉन्स्टेंट वैल्यू भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्योंकि जो डिफाइंड प्री डिफाइंड है, जो वैल्यू प्री डिफाइंड है, हम उनको
लीगली चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, लेकिन जैसे वैल्यू ऑफ पाई है हम चेंज नहीं कर सकते, ये पहले ही डिफाइन हो चुकी है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू बन चुकी है कि पाई की वैल्यू ये है और ये ही यूज करनी है। जैसे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की जो स्पीड है वो उतनी रहनी है, उसको वो पहले कॉन्स्टेंट वैल्यू बन चुकी है, उसको हम वो ही यूज करेंगे जो पहले डिफाइन हो चुकी है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी वैल्यू प्री डिफाइंड है, इनको हम चाहे तो लैंग्वेज के हमारे प्रोग्राम के अंदर पहले ही डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हम इसके लिए यूज़ करते हैं मैक्रो का, मैक्रो होती है सी लैंग्वेज के अंदर, मैक्रो का हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। जैसे हैश डिफाइन इसके लिए यूज़ किया जाता है, हम हमारे यहाँ पे कोई अलग वैल्यू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने सम ऑफ थ्री नंबर्स में ना पाई की रिक्वायरमेंट है, ना स्पीड ऑफ लाइट, ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ना ग्रेविटी। हम एक वेरिएबल लेंगे जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया ए जिसकी वैल्यू 12 है, ये डेफिनेशन होगी ए की, कि ए की वैल्यू 12 ही है, 12 ही रहेगी पूरे प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे, 12 ही होगी। हम ए नाम का कोई और वेरिएबल डिक्लेयर भी नहीं कर सकते, ए नाम का कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते इस टाइम पे, हमने ए को डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर भी कर दिया है। हम ए के बाद या इसके बाद हम ए की वैल्यू कहीं भी यूज नहीं कर सकते, ना ग्लोबली ना लोकली। ये वेरिएबल तो हमने डिक्लेयर कर दिया है ए की वैल्यू 12, ये ग्लोबली भी यूज होगा और लोकली भी यूज होगा। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है? ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर वो वैल्यू डिक्लेयर की जाती है जो ग्लोबली हम यूज करेंगे, जो हम पूरे प्रोग्राम में हर किसी फंक्शन में यूज करना चाह रहे हैं, वो वैल्यू ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर यूज होगी। इस जगह पे जो ए वैल्यू डिफाइन की है, इसी डेफिनेशन दी है ए की, ये भी ग्लोबल ही है, लेकिन एक वेरिएबल भी हम ग्लोबल ले सकते हैं। हमने ए के बारे में ये नहीं बताया कि ये इंटीजर है, फ्लोट है, या स्ट्रिंग है, या और कुछ है, हमने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हमने उसकी डाटा टाइप देनी पड़ेगी। जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, बी नाम का वेरिएबल एक डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, मैंने अब इस में उसकी डाटा टाइप देनी पड़ेगी कि ए वेरिएबल है जो वो है इंट टाइप का, ये इंटीजर वैल्यू होल्ड करके रख सकता है, और जो ऊपर हमने ए वेरिएबल यूज किया है डेफिनेशन सेक्शन के अंदर, इसके अंदर हमने 12 दे दिया, चाहे वो स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कुछ भी हो, ए सिर्फ और सिर्फ 12 को ही होल्ड करेगा। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन में हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए हम इसके अंदर डाटा टाइप देंगे। जैसे इंट बी नाम का वेरिएबल लिया, हम इसकी वैल्यू भी दे सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं होगी, हम बी की वैल्यू नीचे चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने इसकी वैल्यू यहाँ पे 15 दे दी है, तो हम इस जगह पे बी की वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर दिया, आगे डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये इस बी की वैल्यू 15 ही लेगा। अगर हम नीचे बी की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, बी इज इक्वल टू 8 कर देते हैं, तो बी की वैल्यू 8 हो जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। इन दोनों में यही डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों ग्लोबली है, ग्लोबली यूज होंगे, हर फंक्शन में हम इनका यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके बगैर हम सी लैंग्वेज का कोई भी प्रोग्राम नहीं चला सकते, और मेन फंक्शन पूरे प्रोग्राम में एक ही यूज होगा, एक के ना ज़्यादा और ना एक से कम हम सी लैंग्वेज के अंदर मेन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन सेक्शन के अंदर दो सब सेक्शन होते हैं, लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन और एग्जीक्यूटेबल सेक्शन। हम यहाँ पे लेंगे मेन, मेन के हम अगर चाहे तो डाटा टाइप भी ले सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी ले सकते। इसकी बाय डिफॉल्ट सी लैंग्वेज के अंदर इसकी डाटा टाइप बाय डिफॉल्ट वॉइड टाइप की होती है, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर ये ही डाटा टाइप इंटीजर टाइप में चेंज हो जाती है, कि
जो मेन फंक्शन है उसकी डिफॉल्ट डाटा टाइप इंट हो जाएगी, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर वॉइड ही रहेगी। चाहे हम चाहें तो यहाँ पे वॉइड दे सकते हैं कि ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा हमको। और इसके आगे अगर हम डाटा टाइप इंटीजर लगाए तो ये लास्ट में इंटीजर वैल्यू हमें प्रोवाइड कराएगा प्रोग्राम के बाद। हमने ग्लोबल डिक्लेरेशन के अंदर एक फंक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी जिसका हम यूज करेंगे हमारे प्रोग्राम के अंदर। जैसे हमने एक वेरिएबल लिया है इंट टाइप का जो सम करेगा तीन वैल्यूज का, तीनों वैल्यू इंटीजर टाइप की है, जो तीन वैल्यू लेगा इंटीजर टाइप की लेगा। इसके अंदर थोड़ा ध्यान रखना होता है कि जिस टाइप की वैल्यू हम फंक्शन को प्रोवाइड कराएंगे वो सारी इस सेक्शन के अंदर यूज करनी पड़ेगी कि किस किस टाइप की वैल्यू हम प्रोवाइड करा रहे हैं फंक्शन को। और सबसे आगे डाटा टाइप लिया, ये हमारे हमको फंक्शन प्रोवाइड कराएगा किसी और फंक्शन के लिए या फिर किसी और वेरिएबल के लिए, किसी और पर्पज के लिए ये वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। अब हम यूज करेंगे मेन फंक्शन के अंदर लोकल डिक्लेरेशन। लोकल डिक्लेरेशन के अंदर देखिए हमने ए वैल्यू ले चुके हैं, बी की वैल्यू ले चुके हैं और अब हमने सी एक वेरिएबल चाहिए जिसका नाम लेंगे हम सी। जैसे हमने दिया इंट सी नाम का एक वेरिएबल दिया है और एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। अगर चाहें तो उसके बगैर भी हम प्रोग्राम बना सकते हैं कि हमने एक ऐड नाम का और फंक्शन चाहिए है कि हमने जो सम से जो एडिशन आएगा वो हम ऐड के अंदर होल्ड करके रखेंगे और ऐड को प्रिंट करा देंगे लास्ट में कि हम हमारी जो तीन नंबर का सम आया है वो ये आया है। ये हो गया मेन फंक्शन का पहला डिक्लेरेशन सेक्शन। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटेबल सेक्शन कि ये एग्जीक्यूट क्या करने वाला है, कि हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं कि ऐड की वैल्यू क्या होगी, कि ऐड की वैल्यू सम से निकल के आए और सम के अंदर हमने वैल्यू सेंड करनी होगी। इसके अंदर हमने वैल्यू हम डायरेक्ट वेरिएबल्स का नाम भी यूज कर सकते हैं, जैसे ए की वैल्यू जाएगी ए ऊपर ग्लोबल है हम किसी फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। उसके बाद बी भी ग्लोबल है हम बी को भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है सी, उसके बाद ये इसको प्रिंट कराएगा। प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन है प्रिंट एफ, जिसके अंदर हम लिखेंगे सम ऑफ ए बी एंड सी। अभी हमारा ये क्लियर नहीं हुआ है, मेन फंक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी तक इसको ये नहीं बताया कि सी के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी। सी की वैल्यू हमने अभी तक डिक्लेयर ही नहीं की है कि सी की वैल्यू क्या है। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो सी लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू उठाएगी सी की और कुछ भी आंसर दे देगी। तो हम चाहे तो यहाँ पे सी की वैल्यू डायरेक्ट कुछ भी दे सकते हैं, जैसे सी इज इक्वल टू 5, या हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू रन टाइम पे ही प्रोवाइड करा सकते हैं स्कैन फंक्शन का यूज करके। स्कैन एफ इसके लिए फंक्शन है जो प्री डिफाइंड है स्टूडियो डॉट एच के अंदर। उसके अंदर हम एक वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे परसेंटेज टी और इसके एड्रेस के ऊपर हम इसको सेव करेंगे एट द रेट सी। अब अगर देखा जाए तो सी की वैल्यू पहले तो हमने ऐसे ही डिफाइन कर दिया है, उसके बाद हमने स्कैन भी करा दिया है, तो ये वैल्यू सी की वैल्यू वही उठाएगा जो लास्ट में मिली है। इसको लास्ट में सी की वैल्यू स्कैन के थ्रू मिलेगी, तो स्कैन वाली वैल्यू जो आएगी जो हम रन टाइम पे कीबोर्ड के साथ एंटर करेंगे वो ही वैल्यू उठाएगा। हम चाहें तो इसको एक लाइन को हम कमेंट ही बना देते हैं तो ये स्कैन वाली वैल्यू लेगा। अब उसके बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ था जो सम नाम का फंक्शन है, हम इसको यूज करेंगे
हम इसको डिफाइन करेंगे। अब हमने हमारा फंक्शन ले रखा है इंट, ये जो ऊपर प्रोटोटाइप लिया है इंट सम इंट इंट इंट, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा। और अब हमने इंट के लिए वेरिएबल भी प्रोवाइड कराने पड़ेंगे फंक्शन के लिए। इंट सम सबसे पहला है इंटीजर टाइप का, जिसके अंदर हम कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन ए और बी को छोड़ के सी ले सकते हैं। सी मेन फंक्शन का लोकल बना हुआ है, अब सम फंक्शन का लोकल बन जाएगा। तो हम इसके जगह पे हम अलग से तीन वैल्यू ले लेते हैं पी क्यू आर, इंट पी और उसके बाद आता है इंट क्यू और इंट आर। ऊपर हमने सेमीकोलन का यूज किया हुआ है क्योंकि वहां पे डेफिनेशन है, यहाँ पे हम इसका सेमीकोलन नहीं लगा सकते क्योंकि हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे इस प्रोटोटाइप को खत्म नहीं कर रहे। ऊपर हमने प्रोटोटाइप यहाँ पे खत्म कर दिया था, उसके बाद अलग दूसरा सेक्शन शुरू हुआ है, लेकिन इस जगह पे हम इसी के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो सेमीकोलन नहीं यूज करेंगे। सेमीकोलन यूज करते ही उस लाइन तक हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है, सेमीकोलन के बाद वाली प्रोसेस नहीं उठाएगा। तो हम अगर चाहें तो अब डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न या इंटीजर वैल्यू रिटर्न कराएगा, तो रिटर्न करेगा p प्लस क्यू प्लस आर, ये तीनों वैल्यू का एडिशन करेगा और रिटर्न कर देगा सम को, रिटर्न कर देगा इंटीजर टाइप में। अब हमने सम का जहाँ भी यूज कर रखा है, जिसके अंदर तीन वेरिएबल चूज किए हैं, वो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू ऊपर प्रोवाइड करा देगा ऐड के अंदर और ऐड को प्रिंट करा देगा स्क्रीन के ऊपर। अब हम इसको सेव कर रहे हैं सम डेमो नाम से। हमारे प्रोग्राम पे नजर डालें तो हमने मेन फंक्शन के अंदर हमने क्लियर स्क्रीन यूज नहीं की है, तो हम क्लियर स्क्रीन यूज करेंगे। उसके बाद लास्ट में हाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हम लास्ट में जो गेट सी एच यूज करते हैं वो कोलियों के अंदर है, हम लिख सकते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे हम अगर प्रोग्राम बनाए तो हमने उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारा प्रोसेसर की प्रोसेस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तब तक हम की नहीं दबाएंगे तब तक गेट सी एच फंक्शन यूज होता रहेगा और हमारे प्रोसेसर के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, हम इसके अंदर भी यूज़ नहीं करेंगे। हम कंपाइल करने के लिए, कंपाइल और रन करने के लिए कंट्रोल F9 और रिजल्ट शो करने के लिए हम Alt F5 का यूज़ करेंगे, सिंपल शॉर्ट कीवर्ड्स। उसके बाद हम इसको कंपाइल एंड रन करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने C की वैल्यू प्रोवाइड करानी थी इसको, हमने इंस्ट्रक्शन नहीं डाली हुई है, तो हम C की वैल्यू 98 डाल रहे हैं। तो हम अगर रिजल्ट देखें F5 के साथ तो इस सी के बाद रिजल्ट शो नहीं कर रहा, प्रोग्राम के अंदर एरर देखेंगे कि इस लाइन के अंदर रिजल्ट शो नहीं हुआ। ये देखिए रिजल्ट हमने लिख ही नहीं रखा कि रिजल्ट हमारा ऐड से उठाएगा और परसेंटेज डी के अंदर जाएगा। अब हम हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे, उसके बाद हम दोबारा से 98 वैल्यू डाल रहे हैं और अब रिजल्ट चेक करेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 125। क्या 98 प्लस 15 प्लस 12 125 तो हाँ बिल्कुल ठीक है।